हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। साथियों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद में खास करके हम आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम में। यहां पे जो भी पुरानी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ये सभी हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स भी आए हैं किसी ना किसी कॉलेज के, ये लोग भी म्यूज़ियम को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये वीडियोग्राफी करने का आज यहाँ पे मौका मिला है, और इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व किया है इस इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूज़ियम में। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया। सबसे तो पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस कॉलेज से हैं और किस सेमेस्टर के ये स्टूडेंट हैं। मैं सचिन यादव, BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर, ISLS इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस, जो कि झुंसई में, हम वहाँ के छात्र हैं BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के। अभी तक आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर देखा, क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया म्यूज़ियम में? हमने ये देखा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जज के कोर्ट में किस तरह क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक पेन का बैकेट रहता है, स्याही रहती है, उनके द्वारा लिखा जाता है जो भी चीज़ें, और जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको कैसे बाइंड किया जाता है, क्या सील लगाई जाती है, ये सब चीज़ें हमने देखा। और पुराने समय में लॉ क्या थे और आज के समय में क्या, किस तरह न्याय संहिता हमारी चली आ रही है, कि हर युग रहा हो, कोई युग रहा हो, हर समय न्याय की ज़रूरत मनुष्यों को हमेशा पड़ी हुई है, ताकि सबको एक समानता मिले, इसलिए न्याय की ज़रूरत सबको पड़ी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैलरी लगी हुई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिवेटेड फ्रॉम इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो ये सारे फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पे हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, और हम आगे चलेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हम आगे चलेंगे और चीज़ों को और भी पास करके हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने इस कैमरे के माध्यम से आपके सामने आती जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं, हम गर्ल्स कैंडिडेट से भी बात करना चाहेंगे कि वो किस इंस्टीट्यूट से आई हैं और वो यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हैं। तो आप बताइए किस इंस्टीट्यूट से हैं और आपका क्या नाम है? हम ISLS इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस झुंसई से हैं। मेरा नाम इश्का राय है, और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे केस डायरीज देखी हैं जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, जैसे चौरी चौरा, आरा कॉन्स्पिरेंसी केस, इंदिरा गांधी केस जिसमें उनके इलेक्शन को अवॉइड कर दिया गया था, तो वो देखी जिसमें नॉलेजेबल हमें जो भी पढ़ पा रहे उस नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा है। साथ ही साथ अब यहाँ पे फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद का जो भी फोटोग्राफ्स हो सकता है, उन सभी फोटोग्राफ्स को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से कहेंगे कि उन सभी चीज़ों को दिखाएं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, वो ज़रूर आएँ और इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूज़ियम को ज़रूर देखें, ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जो लॉ फील्ड को बिलोंग करता है, और जो लॉ फील्ड से बिलोंग नहीं भी करता है उनके लिए भी काफ़ी बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिले। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देख करके मैं इन लोगों से फिर बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ जैसे कि रखे गए हैं मेरठ के रखे गए हैं बेल्ट, जैसे जो अर्दली होते हैं, जो ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के जो अर्दली होते हैं उनके यहाँ पे कुछ बैचेस वगैरह रखे गए हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो जजमेंट पहले उर्दू में आया करते थे, कुछ अलग लैंग्वेजेस में, अवधी लैंग्वेजेस में आया करते थे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से ये सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँगा, क्योंकि ये चीज़ देखना, ये चीज़ जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अब मैं फिर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको फ़ोटोग्राफ की गैलरी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ की गैलरी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये फ़ोटोग्राफ ही यहाँ पे ये चीज़ें को शो कर रहा है कि क्या रहा हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिस्ट्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कौन कौन से ऐसे ऑनरेबल लॉर्डशिप हैं जो कि एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी गए हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आप गैलरी देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा NLU जो नया अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रहा है, उसका मॉडल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अपने कैमरे के माध्यम से ये मॉडल भी आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, उस मल्टी लेवल पार्किंग का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा गया है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ से दूर से ही दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है,
लेकिन मैंने आज परमिशन लिया है, प्रायर परमिशन लिया है, और प्रायर परमिशन के बाद ही ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसको ज़्यादा हम नहीं शो कर सकते हैं आप लोगों के सामने, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने शो करने का काम करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो जजमेंट यहाँ पे हमारे सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, ये उर्दू लैंग्वेजेस के जजमेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री होती है वो उर्दू से ही निकल के आ रही है, संस्कृत से ही निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप हर लैंग्वेजेस में जजमेंट को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम करेंगे कि कैसा कैसा जजमेंट निकल करके आ रहा था, किस लेवल के जजमेंट पहले प्रोवाइड किए जा रहे थे। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि वुडन ड्रेसिंग टेबल भी रखा गया है, कुछ एंटी क्लॉक भी रखी गई है। इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, इनसे मैं बात करूँगा कि इन्होंने इन सभी चीज़ों को किस तरह से देखने का काम किया है। आप किस कॉलेज से हैं, प्लीज़ अपना नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए। हमारा नाम वीर विक्रम सिंह यादव है, मैं झूंसी के शानदार कॉलेज जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस से हूँ। हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल सर हम लोगों को एक मौका दिए यहाँ आने का, क्योंकि क्लास में जो उन्होंने कुछ पढ़ाया था उसे जब तक हम एक बार अपनी आंखों से देखते नहीं हैं तब तक एक अलग मतलब जो नज़रिया है वो देखने को मिलता नहीं। यहाँ हम आए, बहुत कुछ हमने देखा, आज के दौर को और पहले के दौर को, मतलब आज़ादी के समय 19वीं शताब्दी के दौर को आज के दौर से कंपेयर करने का तो मौका मिला, और कि पहले जज कैसे थे, पहले राजा क्या करते थे, कैसे जजमेंट देते थे, फिर उसको फॉलो करते हुए एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली कि हर पीरियड में, मतलब वो चाहे जो जैसा पीरियड रहा हो, वहाँ पे सिर्फ एक बात सामने आई कि लॉ जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता लॉ को दी गई है, मतलब कि लॉ सबके लिए बराबर है और सबको बराबर मिलना चाहिए। एक बात याद आई है हमें, जो याद आई कि ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, सबको यहाँ मिलेगा और सबको यहाँ मिलेगा न्याय, सबके लिए बराबर है नियम। ये सबसे बड़ी चीज़ हमको आज यहाँ पे जानने के लिए मिली, और बाकी बहुत चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि पहले जज कैसे बैठते थे, उनकी टेबल्स कैसे रहती थी, वो सामान क्या यूज़ करते थे। आज परिवर्तन के, आज मतलब परिवर्तन गत, मतलब समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इस हिसाब से क्या क्या परिवर्तन आज आ रहा है उसको हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज के दौर में, मतलब उस 19वीं शताब्दी को हमें एक बार अपनी आँखों के सामने कुछ पल मतलब जीने का मौका मिला कि कैसे क्या होता था, कैसे नियम बनाए गए थे, कैसे मतलब लोगों को न्याय दिया जाता था, क्या दंड था क्या नहीं था, तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आज हमको मिली हैं। आप देख, जैसा कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं कि यहाँ सब कुछ लगा हुआ है म्यूजियम में, कि जो पुराने जजमेंट थे उन जजमेंट को हम देख रहे हैं, और पुरानी धरोहरों को यहाँ आकर, मतलब मेन मुद्दा क्या हुआ कि पुरानी धरोहर जो थी उनको एक मतलब देखने का मौका तो मिला ही, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है, और हमको मतलब ये जीवन में एक प्रेरणा भी मिल रही है कि अगर हम भी कुछ करें तो इस म्यूजियम में हमारी भी एक जगह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और आपका जो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म है वो भी यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला कि किस लेवल से आप सोच रहे हैं। यहाँ पे आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री को देख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल पार्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉक आपको देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ हम यहाँ पे आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे एक विजिटर डायरी भी देखने के लिए मिलेगी। आप कहेंगे कि ये विजिटर डायरी में क्या होता है, तो जितने भी हमारे विजिटर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे आया जाता है तो अपना सिग्नेचर किया जाता है कि हाँ हम इस लॉ म्यूजियम में आए थे और इस चीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व करने का काम किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के यहाँ पे चेयर भी रखे गए हैं, जो कुछ चेयर कहीं कहीं से इसको एडॉप्ट करने का काम किया गया है, किसी कोर्ट से या कहीं से भी, जहां से भी हो सकता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा बस पास आएं और चीज़ों को मैं बोल करके बताऊंगा कि ये कहां से ये चेयर को एडॉप्ट किया गया है। जैसे कि आप फर्स्ट चेयर देख रहे हैं तो ये रिसीव किया गया है रामपुर जसिप से, जिसपे रेड कलर का कारपेट लगा है। फिर अगर हम नेक्स्ट चेयर की बात करते हैं जो कि रामपुर जसिप से, इसको भी अडॉप्ट करने का काम किया गया है। बाकी हम इधर घूम करके देखेंगे तो इन सभी ना सभी चेयर को कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करने का काम किया गया है। और म्यूजियम की अगर हम खास बात करते हैं तो म्यूजियम में यही सारी चीज़ें हमको जनरली देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा जो भी हो सकता था, मैं अपने इस कैमरे के माध्यम से, मैं इस वीडियोग्राफी के माध्यम से इन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास मैंने किया, जो चीज़ हो सकता है। देखिए, आप यहाँ की खूबसूरती को देखिए, यहाँ की साफ सफाई को देखिए, जो हो सकता था उससे अव्वल दर्जे का यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, उनके द्वारा हर एक प्रकार की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो चीज़ आप जाएंगे पूछने वो एक बार नहीं चार बार आपको बताएंगे कि हाँ ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो
मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अगर प्रयागराज से बिलोंग कर रहे हैं और जहां तक ये वीडियो जा पा रहा है, आप सभी लोग